नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने हृदय रोग यानी गति रुकने का कारण और बचाव के बारे में जानकारी दिया है। यह रोग आमतौर पर कई लाखों व्यक्तियों को अपना शिकार बनाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय हृदय की इस गंभीर बीमारी से हर साल हो जाती है लाखों लोगों की मौत। जाने इसके लक्षण और बचाव के तरीके। देश में हर साल हृदय से संबंधित तमाम बीमारियों के कारण लाखों लोगों की जान चली जाती है। कार्डियक अरेस्ट ऐसी है एक गंभीर समस्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें अचानक से दिल धड़कना बंद हो कर देता है। इस समस्या को सडेन कार्डियक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर लोग कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यह दोनों अलग अलग है। हार्ट अटैक में हृदय में रक्त का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, जबकि अचानक दिल की धड़कन रुक जाने की स्थिति को कार्डियक अरेस्ट के नाम से जानते हैं। विशेषज्ञ कार्डियक अरेस्ट को ज्यादा गंभीर बताते हैं। आइए हृदय की इस गंभीर बीमारी के लक्षण, कारण और बचाव के तरीकों के बारे में जानते हैं। कार्डियक अरेस्ट की पहचान कैसे करें? कार्डियक अरेस्ट अचानक से होने वाली समस्या है। ऐसे में इसके लक्षण काफी तेजी से नजर आते हैं। आमतौर पर रोगी को बेहोशी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा घबराहट महसूस होने, सांस लेने में समस्या, नाड़ी ना चलने जैसी दिक्कतों को कार्डियक अरेस्ट का लक्षण माना जाता है। कार्डियक अरेस्ट किन कारणों से हो सकता है? विशेषज्ञों के मुताबिक हृदय से जुड़ी कई सारी बीमारियों के कारण कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। हृदय की पुरानी बीमारियां, इस तरह की बीमारियों की शुरुआत कोरोनरी धमनियां से होती है। ये धमनियां हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है। इनके अवरुद्ध हो जाने के कारण दिल को रक्त नहीं मिल पाता है, जिससे वह ठीक से काम करना बंद कर देती है। इसके अलावा जिन लोगों के हृदय का आकार सामान्य से बढ़ जाता है, उनमें भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा अधिक होता है। इनके अलावा बहुत अधिक धूम्रपान करने, उच्च रक्तचाप, पोटासियम और मैग्नीशियम जैसे तत्वों की कमी, परिवार में किसी को पहले भी इस तरह की समस्या रहने से भी कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। कैसे करें बचाव? विशेषज्ञों के मुताबिक जिन लोगों को बताए गए लक्षणों का अनुभव होता हो, उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज को कंट्रोल करें, खून में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को सामान्य बनाए रखें, तनाव से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें। धन्यवाद, आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी, गृहिणी एवं समाज सेवी, ने लहसुन का स्वास्थ्य फायदा बताया है। लहसुन के छिलकों से लेकर लहसुन के कई स्वास्थ्य फायदा है। खाली पेट लहसुन खाने से कई रोगों का उपचार होता है। यह घरेलू नुस्खे से कई रोगों का इलाज से रोग दूर रहते हैं। ऐसे में लहसुन आपके स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि आपको शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रखता है। कई घरेलू नुस्खों के तौर पर लहसुन का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पेट में गैस हो रही है तो आप लहसुन को भूनकर खा सकते हैं। इससे आपको फौरन राहत मिल सकती है। लहसुन सर्दी, खांसी से लेकर फ्लू तक कई बीमारियों में बेहद लाभकारी होते हैं। आइए जानते हैं खाली पेट लहसुन खाने से क्या फायदे होते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप रोजाना खाली पेट लहसुन खाएं। दरअसल लहसुन में ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के गुण होते हैं। बीपी में लहसुन खाने से फायदा मिलता है, इसलिए आप सुबह खाली पेट लहसुन चबा सकते हैं। आपको हाई बीपी की समस्या में आराम मिलेगा। लहसुन दिल से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करता है। इसे खाने से खून का जमाव नहीं होता और दिल से संबंधित बीमारियों का खतरा कम रहता है। अगर आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं तो रोज सुबह लहसुन खाएं। आप शहद के मिश्रण के साथ लहसुन खा सकते हैं। इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा। पेट की समस्याओं में खाली पेट लहसुन खाने से बेहद राहत मिलती है। अक्सर आप अपने घरों में देखा होगा कि एसिडिटी की समस्या वाले लोगों को घी में भुना लहसुन खाने की सलाह दी जाती है। आप लहसुन की कलियां खाली पेट खाते हैं तो आपका पाचन ठीक रहता है
और कब्ज से लेकर गैस तक की सभी समस्याएं से छुटकारा मिलता है। खाली पेट लहसुन खाने से भूख खुलती है और डाइजेशन एकदम ठीक रहता है। लहसुन में एंटीबैक्टीरियल और दर्द निवारक गुण होते हैं। ऐसे में अगर आप खाली पेट लहसुन की एक कली चबाते हैं तो आपको सर्दी खांसी से लेकर वायरल तक का जोखिम कम रहता है। अगर आपके हाथ पैरों में झनझनाहट होती है तो खाली पेट लहसुन खाने से आपको इससे आराम मिलेगा। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।